नमो नमः फ्रेंड्स, इन द प्रेजेंट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न टू कंटिन्यू कम्युनिकेशन स्किल्स। फ्रेंड्स, इन द प्रेजेंट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन अ मदर एंड अ सन व्हाइल हैविंग फूड। जनरली भोजन करते समय हमें आपस में अधिक बातें नहीं करनी चाहिए। Whenever we are having our food, we should be calm, peaceful, and we should enjoy whatever we are eating. पर while having food, भोजन की मात्रा लेने या इंगित करने के लिए हमें कभी कभी वार्तालाप करना पड़ता है। ऐसा ही वार्तालाप हम इस वीडियो में देखेंगे। माता, पुत्र भोजनार्थम आगच्छति वा? भोजन के लिए आते हो? माता अपने पुत्र को बोल रही कि भोजन करने आते हो। भोजन अर्थम, भोजन के लिए आगच्छति वा, आते हो? पुत्र आम, अहम आगच्छामि। किं कृतवती भवती भोजन अर्थम? हाँ, आम मतलब हाँ, अहम आगच्छामि, मैं आ रहा हूं। किं कृतवती भवती भोजनार्थम्, आपने खाने में क्या बनाया है? किं, व्हाट, क्या। कृतवती भवती, बनाया है भोजनार्थम्, खाने में। हाँ, मैं आ रहा हूँ, आपने खाने में क्या बनाया है? हम जनरली जब मम्मी खाना खाने के लिए बुलाती है तो वी ऑल्सो आस्क सच क्वेश्चन कि मम्मा आज आपने क्या बनाया है खाने में, कुछ अच्छा बनाया है क्या, मुझे पसंद है वैसा कुछ बनाया है क्या, राइट? माता वदती अन्नम सारह पायसम कृतवती। भवान पायसम इच्छति वा? भोजन में पायसम बनाया है, तुम्हें पायसम पसंद है ना? पायसम एक मीठी चीज है जो खीर के जैसी होती है। साउथ इंडिया में बहुत जगह पे वो बनाई जाती है। एक्चुअली वो साउथ इंडियन स्वीट डिश है। तो माता क्या बोलती है, भोजन में पायसम बनाया है, तुम्हें पायसम पसंद है ना? भवान पायसम इच्छति वा, भवान तुम्हें पायसम इच्छति वा, पसंद है ना? पुत्र आम, मधुरम भवति, अहम इच्छामि। हाँ, मधुर होता है, अहम इच्छामि, मुझे पसंद है, मधुर होता है। जैसे मैंने बताया वो साउथ इंडिया की स्वीट डिश है जो मीठी होती है, तो सबको अच्छी लगती है, मुझे भी पसंद है, आपको भी मीठी चीजें पसंद होगी। माता वदति अन्नम परिवेश्यामि वा? अन्नम बहु उष्णम अस्ति। क्या मैं खाना परोस दूं? खाना बहुत गर्म है। अन्नम परिवेश्यामि वा? अन्नम परिवेश्यामि, परिवेशम यानी परोसना, अन्नम खाना, अन्न। क्या मैं खाना परोस दूं? माता पूछ रही है। अन्नम बहु उष्णम अस्ति, बहु उष्णम बहुत गर्म, खाना बहुत गर्म है, गर्म गर्म खाना चाहिए। हमेशा हमें फ्रेशली मेड फूड खाना चाहिए जो गर्म है, विच हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड बेटर। पुत्र वदति मास्तु मास्तु मधुरम प्रथम खादामी अनंतरम अन्नम खादामी। अब बेटा क्या बोल रहा है, नहीं नहीं, मधुरम मास्तु मास्तु मतलब नहीं नहीं, मधुरम प्रथम खादामी, मैं सबसे पहले मीठा खाता हूं, मीठा खाऊंगा। प्रथमम सबसे पहले, मधुरम मीठा, खादामी खाता हूं। अनंतरम फिर या बाद में, अन्नम खादामि फिर मैं खाना खाता हूं। पायसम बनी है तो बेटा बोल रहा है मैं पहले मीठा खाऊंगा फिर मैं खाना खाता हूं। माता पायसम परिवेश्यति, माता पायसम परोसती है। माता वदति पर्याप्तम वा पायसम, क्या यह पर्याप्त पायसम है? पर्याप्तम वा पायसम, क्या यह पायसम तुम्हारे लिए पर्याप्त है, ये जो जितना दिया है आपके लिए पर्याप्त है? पुत्र वदति
आम प्रथम वारं पर्याप्तम अनंतरम इतो अपि खादामि। देखो बेटा क्या बोल रहा है, हाँ पहली बार के लिए काफी है, फिर मैं और भी खाता हूँ। उसको पायसम इतनी पसंद है, बोले कि जो दिया है वो पहली बार के लिए काफी है, पर्याप्त है, पर मैं और भी लूंगा। हम भी कभी कभी हमारी पसंद की चीजें होती है वो ज्यादा खाते हैं। माता वदति कथम अस्ति पायसम। बेटा खाना खाना शुरू करता है तो माता पूछती है कथम अस्ति पायसम, पायसम कैसा है। पुत्रः वदति सम्यक अस्ति, अहम संतोषम अनुभवामि, यह एकदम स्वादिष्ट है, मैं संतुष्टि का अनुभव करता हूँ। सम्यक अस्ति अच्छा है, स्वादिष्ट है। संतोषम अनुभवामि संतुष्टि का, जब हम अपनी पसंद की चीज खाते हैं तो मन को एक संतुष्टि मिलती है। माता वदति पुत्र इतो अपि आवश्यकम वा पायसम, बेटा क्या पायसम और भी चाहिए। इतो अपि आवश्यकम वा पायसम, इतो अपि और भी, आवश्यकम वा चाहिए पायसम, क्या पायसम और भी चाहिए। पुत्रः वदति मास्तु मास्तु अन्नम खादामि, नहीं नहीं मैं भोजन खाता हूँ। अब उसको भोजन खाना है। माता वदति इतो अपि तक्रम अस्ति सारह अस्ति, छाछ भी है, अच्छी होती है। फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे हमेशा खाना खाने के बाद छाछ, तक्रम यानी छाछ, छाछ भी पीना होता है। क्यों? तो खाने के बाद छाछ पीने से खाना अच्छे से हजम हो जाता है, डाइजेशन अच्छे से होता है। सारह अस्ति अच्छी होती है, हेल्थ के लिए भी छाछ अच्छी होती है। पुत्रः वदति उदरम पुरितम अहम न खादामि आनंदम अनुभवामि अहम इदानीम निंद्राम करोमि, पेट भर गया, अहम न खादामि मैं नहीं खा सकता, अभी नहीं खाता। आनंदम अनुभवामि आनंद आया, खाना खाके बेटे को बड़ा मजा आया, अब ज्यादा खा लिया है। अहम इदानीम निंद्राम करोमि मैं अब सोने जा रहा हूँ, ज्यादा खाते हैं, पेट भर के खा लेते हैं, मीठा खाते हैं, तो क्या होता है, अब खाना खाके सो जाओ बस। बेटे का भी अभी यही हाल हो रहा है। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे देखा माता और पुत्र के बीच में संवाद चल रहा था, खाना खाने बैठे तब का संवाद है ये। जनरली हर घर में खाते टाइम पे माता पुत्र माता पुत्री के बीच में होता है, या जो व्यक्ति अन्न परोसता है उनके और जो खाना खा रहा है उनके बीच में ये संवाद होता है। हम कुछ शब्द के अर्थ देखते हैं। परिवेशयामि परोसना, उष्णम गर्म, मास्तु नहीं, पर्याप्तम पर्याप्त काफी है, प्रथम वारम पहली बार, अनुभवामि अनुभव, तक्रम छाछ, उदरम पेट, न नहीं, इदानीम अब। हमने जो अभी पढ़ा उसमें से कुछ प्रश्न है उसके उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। लेट अस ट्राई। माता कम आह्वती पुत्रम, माता किसे बुला रही है, पुत्र को बुला रही है। माता पुत्रम किमर्थम आह्वयति, माता पुत्र को क्यों बुला रही है, भोजन अर्थम भोजन करने के लिए। पुत्रः प्रथमं किं खादति, पुत्र पहले क्या खाता है, मधुरम मीठा खाता है। माता किम किम कृतवती भोजनार्थम, माता ने भोजन के लिए क्या क्या बनाया है। अन्न सारम पायसम च, अन्न और पायसम मतलब अन्न यानी रोटी सब्जी दाल चावल और पायसम, मीठे में पायसम है। पायसम कथम अस्ति सम्यक, स्वादिष्ट था, पायसम कैसा है, स्वादिष्ट है। सो फ्रेंड्स Here we have learned how to talk while having food, संप्रेषण कौशल communication, जो daily हम बातचीत करते हैं वैसा ही एक संवाद हमने यहाँ पे पढ़ा।
See you in the next video. Till then, happy learning. Dhanyavadah.